सोलन में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते जहां सोलन वासी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन 43 मामले कोरोना पॉजिटिव के जिला सोलन में आए थे, जिसमें से एक मामला धर्मपुर का है और एक महिला MMU हॉस्पिटल में पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि MMU हॉस्पिटल में जो महिला कोरोना पॉजिटिव आई है, वे पहले सोलन जिला के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि ये महिला सुभातु के साथ लगते गांव से सोलन आई थी, जिसे सोलन के MMU अस्पताल रेफर कर दिया गया था। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि बीते दिन 43 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जो धर्मपुर में पॉजिटिव आया है, वह पहले कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के सीधे संपर्क में आया था। वहीं उन्होंने बताया कि MMU में जो महिला कोरोना पॉजिटिव आई है, उसे सोलन के अस्पताल से ही MMU रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि महिला के अनुसार वह 9 महीने से अपने घर पर ही थी, वह किसी से भी नहीं मिली, ऐसे में वे कैसे कोरोना पॉजिटिव हुई, इस बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो इन सभी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में लोग आए थे। ये टोटल कल 43 केस सोलन डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 41 केस विभिन्न एरिया के हैं और 2 केस जो हैं वो हमारे ये सोलन के हैं। उसमें से 1 केस जो धर्मपुर में पॉजिटिव केस आए थे उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का है, और 1 प्रेग्नेंट लेडी है जो कि MMU हॉस्पिटल जो कुमारहट्टी में है वहाँ अपना इलाज कराने गई थी, तो वहाँ वो पॉजिटिव पाई गई। और जो 41 केस बद्दी एरिया में पॉजिटिव आए हैं, इसमें से 23 केस जो हैं वो एक ही फैमिली के हैं, और बाकी जो हैं वो 6 जो पेशेंट है वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में पहले से थे हमारे, और उसमें से एक जो है वो कम्युनिटी बद्दी से है, बद्दी कम्युनिटी से है, और एक वॉलंटियर है जिसने टेस्ट करवाया। ये प्रेग्नेंट लेडी है, अभी इसकी हिस्ट्री हमारे को डिटेल में लेनी पड़ रही है, क्योंकि ये 9 महीने तक अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली थी। ये 2 दिन पहले RH सोलन में अपना इलाज कराने आई थी, और इवन इसकी पर्ची भी इसके हस्बैंड ने ही बनाई थी, और यहाँ से इसको MMU रेफर कर दिया गया, तो ये यहाँ से रेफर हो गए थे।